मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएस भी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएस भी एग्जाम्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू द लेक्चर। आज के लेक्चर का हमारा जो पहला क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी कंट्री ने इन्वाइट करा है हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ऑन अ स्टेट विजिट, मतलब स्टेट विजिट के लिए कौन सी कंट्री ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी साहब को इनवाइट करा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज यूएसए। क्या आंसर है? यूएसए। ठीक है, और 22 जून को हमारे पीएम साहब गोइंग टू यूएसए ऑन द इनविटेशन ऑफ यूएस प्रेसिडेंट जिनका नाम है जो बाइडन और फर्स्ट लेडी जिनका नाम है जिल बाइडन। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि समुद्र शक्ति 2023 एक बायलेटरल एक्सरसाइज है जो कंडक्ट की जाएगी इंडिया और दूसरी कौन सी कंट्री है। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि ये जो एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जाती हैं जिनका मेन मकसद होता है कि प्रैक्टिस करना। ठीक है, वार सिचुएशन लाइक सिचुएशन बनाई जाती है और उसमें प्रैक्टिस की जाती है और देखा जाता है कि किस तरह से चीज़ों को कंट्रोल में किया जाए। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज होने जा रही है समुद्र शक्ति, ये समुद्र वर्ड से ही आपको पता लग गया होगा, ये नेवल एक्सरसाइज होने वाली है। मतलब इंडियन नेवी और दूसरी कौन सी ऐसी कंट्री की नेवी है जो ये बायलेटरल एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट कर रही है जिसका थीम या जिसका नाम है समुद्र शक्ति 2023। तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडोनेशिया। क्या आंसर है? इंडोनेशिया। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च सक्सेसफुली कंडक्ट करा है ट्रायल किसका, रन ऑफ ब्लड बैग डिलीवरी अंडर आई ड्रोन इनिशिएटिव। आप देख रहे हो ना, ये ब्लड है बेसिकली और इसको ड्रोन की मदद से, देखो कई बार क्या होता है कि जो गाड़ियाँ होती हैं व्हीकल्स होती हैं ड्यू टू लॉट ऑफ ट्रैफिक्स तो वो पर्टिकुलर टाइम पे मतलब एक सही राइट टाइम पे वो रीच नहीं कर पाती। सो दिस वाज द बिगेस्ट मतलब रीज़न यू कैन से मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल गेट डेड एंड सम पीपल एक्चुअली लॉट ऑफ थिंग। सो उस चीज़ को कम्पेट करने के लिए, ओवरकम करने के लिए अब बेसिकली जो आई ड्रोन है इसको मतलब बनाया गया और सक्सेसफुली इसको कंडक्ट करा गया। कौन से इंस्टीट्यूशन ने ये कंडक्ट करा है इसका ट्रायल, तो उस वो पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो इसका जो आंसर है दैट इज ICMR। क्या? ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा एक सक्सेसफुली जो ट्रेल है मतलब जिसमें जो ब्लड बैग्स है वो डिलीवर किया जाएंगे ड्रोन्स के थ्रू, किस उस इनिशिएटिव का नाम है आई ड्रोन इनिशिएटिव। ठीक है, अब ये जो ड्रोन है बेसिकली ये 10 यूनिट है, 10 यूनिट ब्लड सैंपल्स के मतलब आप लोग कह सकते हैं कि कैरी करके फ्लाइट कर सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ई रेट्रोफिटमेंट जो है आपको न्यूज़ में देखने को मिला, अब ये बेसिकली किस फील्ड से एसोसिएट है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। क्या आंसर है? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ओके, अब आप सभी को पता है कि अभी जो कमिंग मतलब ईयर्स हैं, कमिंग जो टाइम है उसमें बड़ी जोरों शोरों से जो व्हीकल्स हैं उनको कन्वर्ट किया जा रहा है ईवी में। ओके, और पहले आप सभी को पता है जो कंबशन इंजन्स थे अभी भी है एक्चुअली, अभी कौन सा ख़त्म हुआ है तो हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं कंबशन इंजन्स, इनके थ्रू बहुत ज़्यादा कार्बन नाइट्रोजन ये सारी चीज़ें जो है वो निकल रही हैं और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ इफेक्ट दैट इज़ हैपनिंग ऑन आवर एनवायरमेंट, जिसकी बेसिस पे आप लोग देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट एंड इवन द होल ग्लोब इज डिसाइडेड टू रिप्लेसिंग दिस कंबशन इंजन्स बाय ईवी मतलब इलेक्ट्रिक। So that's why ये जो ई रेट्रोफिटमेंट है ये किसके रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड विद द फील्ड ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से इंस्टीट्यूशन ने रिलीज करी है वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर रिपोर्ट। कौन से इंस्टीट्यूशन ने करी है भाई? इसका जो आंसर है दैट इज UNWTO मतलब वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की और इसके द्वारा ये जो वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर रिपोर्ट है वो रिलीज करी गई है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कैंपेन, जैसे वो लास्ट टाइम भी चली थी ना जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम थी, उसी तरह से ये कैंपेन है जिसका नाम है मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ
शहर, स्वच्छ का मतलब होता है साफ सुथरा, ठीक है, शहर। तो ये जो कैंपेन है ये किस यूनियन मिनिस्ट्री द्वारा, कौन सी सेंट्रल मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च करी गई है? इसका आंसर जो है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। क्या आंसर है? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। अब इसका ऑब्वियसली इसका मेन एम क्या है? टू रिड्यूस द रीयूज एंड रिसाइकल कंसेप्ट इन वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब वो रिड्यूस करना, कम करना, रिसाइकल करना या चीज़ों को रीयूज करना जो भी आपके वेस्ट मैनेजमेंट में आती है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब बेसिकली अगर हम इसका बात करें ना, तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर जो कैंपेन है ये किस चीज़ को हाईलाइट करता है, तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं ट्रिपल आर। क्या आंसर है? वो जो RRR वाला है ना उससे आप कंपेयर कर सकते हो, ट्रिपल आर मतलब रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल। ओके, अगला जो क्वेश्चन है दैट इज कि एमी पोप जो कि फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ये कौन सी कंट्री से हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इसका आंसर है यूनाइटेड नेशंस। क्या आंसर है? यूनाइटेड नेशंस। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है कि हाईली पैथोजेनिक एविन इन्फ्लुएंजा जो है वो कौन सी कंट्री में कन्फर्म किया गया है, ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज ब्राज़ील। क्या आंसर है? ब्राज़ील। तो इसमें बेसिकली दो केसेस जो है वो वाइल्ड जो वर्ड है उनमें डिटेक्ट करे गए हैं, तो आप लोग कह सकते हैं कि ब्राज़ील जो है वर्ल्ड का टॉप चिकन एक्सपोर्टर है, गवर्नमेंट ने कंफर्म करा है डिटेक्शन ऑफ H5N1 ये जो टाइप ऑफ वायरस है दो वर्ड्स के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से इंस्टीट्यूशन ने इस्टेब्लिश करी है नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर? क्या नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर कौन से इंस्टीट्यूशन ने एस्टेब्लिश करी है? तो इसका जो आंसर है दैट इज REMC लिमिटेड, मतलब REMC का लिमिटेड का मतलब रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा ये जो नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर है वो एस्टेब्लिश करा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है हु वॉन द 2020 प्राग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है, प्राग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है 2023 की वो किन्होंने जीती है? इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। कहाँ करोगे? कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो अच्छा कैसा लगा प्लीज़ हिट इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।